brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, यादव परिवार के चार लोग मैदान में, और माना यह जा रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में। अगर ये लोग चुनावी मैदान में हैं, तो क्या ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसकी जानकारी कौन देगा? जानकारी दे रहे हैं कुछ सर्वे। दरअसल बीते दिनों TV9 पोल स्टार्ट और ABP सी वोटर के सर्वे आए, जो सीट वाइज सीट बता गए कि आखिर किस सीट पर किसका पड़ला भारी है। अगर अब हम बात करें सबसे पहले यादव परिवार में मैनपुरी की, तो मैनपुरी में डिंपल यादव को दोनों सर्वे चुनाव जिताते नजर आ रहे हैं, यानी कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी की गढ़ के तौर पर अभी भी बरकरार रहेगी। वहां से जयवीर सिंह ठाकुर जो हैं वो BJP से टक्कर देते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें कन्नौज की, तो कन्नौज सीट भी दोनों सर्वेज में जीतती नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे TV9 पोस्टार्ट की भी, और अगर हम बात कर लें ABP सी वोटर की, तो दोनों में जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि ABP सी वोटर मानता है कि कन्नौज पर सीट फंसी हुई है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव ने कोई घोषणा नहीं की वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, यादव परिवार से कौन लड़ेगा। अखिलेश यादव के लड़ने के बाद तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। तो अगर अखिलेश यादव और डिंपल यादव चुनावी मैदान में, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ते हैं, तो वो चुनाव जीतने जा रहे हैं सर्वे के हिसाब से। वहीं धर्मेंद्र यादव क्या होगा, तो दोनों सर्वे मानते हैं कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव निरहुआ पर भारी पड़ेंगे, जो कि लगातार माना ये जा रहा है, क्योंकि वहां पर बसपा ने जिस तरीके से राजभर प्रत्याशी को टिकट दिया है, निरहुआ के लिए समीकरण थोड़े से खराब हो गए हैं। और साथ ही साथ गुड्डू जमाली का चला जाना समाजवादी पार्टी के खेमे में, वो भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बेटों के लिए इतना आसान चुनाव नहीं लग रहा है सर्वे के हिसाब से। फिरोजाबाद, दोनों सर्वे मान रहे हैं कि फिरोजाबाद और बदायूं में समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव लड़ते हैं तो वो, और डिंपल यादव, यादव परिवार की तीन सीटें आएंगी। लेकिन अक्षय यादव जो पिछली बार शिवपाल यादव की वोट काटने से चुनाव हार गए थे फिरोजाबाद में, रामगोपाल यादव के बेटे हैं वो, और आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं जिन्होंने बदायूं से नामांकन किया है, वो दोनों चुनाव हार सकते हैं सर्वे के। लेकिन ये सर्वे हैं, सर्वे माहौल, ये सब सिर्फ एक तरीके से चुनाव को भापने का तरीका है। असली निर्णय जो है या असली रिजल्ट जो है वो जनता तय करती है। तो यानी आपको क्या लगता है, इन पांचों लोगों में से कौन कौन चुनाव जीतने जा रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।